तो जूम करूं तो यहां पे आपको एक सरप्राइजिंग दिखेगा कि देखिए कितना। अब देखो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशन बता के ना आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला, मैंने रिव्यू वाली वीडियो बना रखी है, अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो वो जाकर चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता रखा है। इस फोन में आपको तीनों कैमरा मिल जाता है, पहला 50 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, जो तीसरा है वो आपको 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे माइक्रो लेंस दिया गया, जो सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया। ठीक है, सबसे पहले मैं वीडियो टेस्ट करूंगा अपने सेटअप पे, ताकि आपको लाइटिंग में अंदाज हो जाए कि वीडियो किस टाइप की आती है, किस टाइप की आती है। अगर आपके पास भी लाइटिंग वगैरह अच्छा है, लाइट वगैरह का जुगाड़ है, अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपको YouTube के वीडियोस वगैरह एडिट करना, तो कुछ इस टाइप का आपको क्वालिटी मिलेगा। फ्रंट कैमरा से मैं अभी शूट कर रहा हूँ और आप देख लीजिए कुछ इस टाइप का आपको जो है क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो सेटअप का वीडियो आपने देख लिया, आपको अच्छे से अंदाजा हो गया। अब मैं आपको देखा तो डी लाइट में अगर आप सेल्फी से वीडियो करते हो तो किस टाइप का करते हो, इस टाइप का करते हो। में अगर आप फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ इस टाइप का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। स्टेबलाइजेशन का उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा जो है स्क्रीन हिल रहा है, जबकि हम चल रहे हैं तो भी हिल रहा है। तो क्वालिटी की जहाँ तक बात है, देख लीजिए डायनेमिक रेंज कुछ इस टाइप का मिलेगा, ब्लोन आउट हो गया पूरा का पूरा स्काई, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, काम आपका हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जरूर से ध्यान रखिएगा, आपको स्टेबलाइजेशन जो है इस फ़ोन में ना के बराबर मिलने वाला। फ़ोन दौड़ के भी एक बार हम दिखा देते हैं, और इस टाइप का ओवरऑल आपको क्वालिटी मिल जाएगा। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको क्वालिटी किस टाइप का लगा है। जो आप पहला फोटो देख रहे हैं, इसमें देखिए कितना जबरदस्त है का यहाँ पे डिटेलिंग जो है कैप्चर किया है माइक्रो लेंस। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो ये देखिए कितना ज्यादा बारीक, इवन जो मेरे उंगली पे थोड़ा बहुत रेत भी लगा हुआ, जो बालू वगैरह जो डस्ट होता है उसका भी जो है डिटेलिंग काफी अच्छा है इस माइक्रो फोटो की। तो इसमें भी देखिए कि आप जूम जब करेंगे तो डिटेलिंग इसमें भी काफी ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो सेचुरेशन लेवल वो थोड़ा सा कम है, लेकिन आप आफ्टर एडिटिंग में जो है इसे जाके थोड़ा सा सुधार सकते हैं। बाकी अगर डिटेलिंग के बारे में बात करें तो डिटेलिंग काफी सही आया है। 2 मेगापिक्सल जो माइक्रो लेंस है ना वो काफी सही से कम कर रहा, तो यानी कि माइक्रो लेंस जो इसमें दिया गया है ना वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। अगर आपको बारीक फोटो लेना है ना तो काफी बढ़िया फोटो आता है मेरे भाई। तो ये चीज आपको बताना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि बहुत कम ऐसे फोन होते हैं कम दाम वाले जिसमें आपको माइक्रो लेंस का फोटो इतना डिटेलिंग वाला आता है, जहां तक मैंने अभी तक चेकआउट किया है। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट है मात्र 301, तो 302 कर देना, ठीक है। और इस रियर कैमरे के सैंपल के बारे में अगर बात करो तो ये देखिए मैंने एक फोटो खींचा, काफी जबरदस्त टाइप का यहाँ पे फोटो आया है। कलर की अगर बात करें तो कलर काफी ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पे देखने को, ओवर बूस्टेड कलर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कई बार तो क्या होता है कि जो कम दाम के मोबाइल होते हैं वो ओवर शार्पन होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी ज्यादा डिटेलिंग वाला फोटो है। जो एजेस वगैरह भी यहाँ पे डिटेक्शन किया गया है वो भी काफी अच्छे से किया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई 14,000 का मोबाइल है। वैसे तो मैंने इसे 11,500 रुपए लिया था बीबीटी सेल में, और 11,500 के हिसाब से देखिएगा, अगर आपको कभी मिलता है ये फोन तो बिल्कुल आप इसे रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं भी बता देता हूँ कि कई कई कंडीशन पे जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, कहीं कहीं पे बहुत ही सुपर करता है लेकिन कहीं कहीं पे नहीं करता। जैसे कि ये फोटो मैंने लिया, ठीक है, ये भी आपका रियर कैमरा से लिया गया, ठीक है। इसमें अगर हम जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिटेलिंग कितना सुपर आया, ये मेरा हाथ का बाल, एक एक बाल आपको दिख रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइटिंग अच्छा, यानी कि डे लाइट में शॉट लेते हो, डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छा था, काफी ज्यादा सुपीरियर आता आपके सामने। देखिए मैं फोन में नहीं दिखा रहा, आपको जूम करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इसकी कैपेबिलिटीज आपको पता चले, ठीक है। बहुत को क्या होता है, नॉर्मली फोटो जो है आपको स्क्रीन पे शो आउट कर देते तो वहां पे समझ में नहीं आता, जो चीजें अच्छी हैं तो वो तो आपको बताना लाजमी है, ठीक है। तो काफी अच्छा डिटेलिंग यहाँ पे आता है। इवन अगर मैं ये वाला फोटो दिखाऊं आपको, ये देखिए हाथ का मेरा फोटो है, इसको जूम करूं तो यहां पे आपको एक सरप्राइजिंग दिखेगा कि देखिए कितना ज्यादा हाथ का जो मेरा रेखा है वो कितना डिटेलिंग है। तो रियर कैमरा के बारे में अगर हम बात करें 50 मेगापिक्सल की, तो डे लाइट में बहुत ही सुपीरियर फोटो खींचता, काफी ज्यादा डिटेलिंग वाला फोटो खींचता है। लेकिन वहीं अगर बात करें हम आपका लो लाइटिंग की, तो लो लाइटिंग में ये कैमरा बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। एक दो सैंपल मैं आपको दिखा देता हूं, वहां पे आपको भर भर के, जी हां, भर भर के नॉइज मिल जाएगा। जैसे कि मैंने ये एक फोटो खींचा था लो लाइटिंग में, वो मर्करी चल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो एक बार क्लिक करके देखता तो कैसा फोटो था। तो यहां पे आपको भर भर के नॉइज मिलेगा। देखिए मैं जैसे ही जूम करूंगा, आपको फोन में नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे आप जूम करते हो तो आपको साफ दिखेगा कि देखिए कितना ज्यादा नॉइज भरा पड़ा हुआ, जबकि एगो मर्करी चल रहा फिर भी ऐसा हो रहा, ठीक है। तो लो लाइटिंग अगर बारे में बात करें तो लो लाइटिंग का इमेजेस जो है उतना अच्छा नहीं है, प्राइस के हिसाब से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ये एक फोटो मैंने खींचा था, देखिए इसमें भी जो है नॉइज कितना ज्यादा, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या ही आया है। तो लो लाइटिंग में आप बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा, चाहे वो 50 मेगापिक्सल का हो या 8 मेगापिक्सल का हो। उसी तरह से मैंने एक ये भी फोटो खींचा था नाइट में, इसका भी आप सैंपल देख लीजिए। यहाँ पे मैं जूम आउट करता हूँ तो ये फुल देखिए पूरा का पूरा ब्लून आउट हो गया, ब्लर हो गया, स्मजी हो गया, तो यहाँ पे नॉइज पूरा भरा पड़ा हुआ। अगर हम थोड़ा सा नाइट मोड में लीजिएगा तो हल्का फुल्का सुधार मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जो है आपको उसी टाइप का सैंपल देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं पोर्ट्रेट शॉट के बारे में, जो पीछे ब्लर नहीं मार देता वही वाला DSLR वाला इफेक्ट, वाह समझ रहे ना। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो फोटो मैंने क्लिक किया है, अपना सेल्फी लिया है फ्रंट कैमरा से, तो यहाँ पे मेरा जो स्किन टोन है वो काफी अच्छा आया है, कोई भी तरह का ओवर एक्सपोज फोटो नहीं हो रहा। इवन मैंने व्हाइट टी शर्ट
इसलिए पहना था ताकि मैं पता कर पाऊँ कि किस तरह का फोटोज वगैरह ले रहा हूँ। व्हाइट टी शर्ट में हमेशा क्या होता है ना, ओवर एक्सपोज करता, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर कैप्चर करता है मोबाइल, अगर मोबाइल का कैमरा सही नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, काफ़ी अच्छा कलर वगैरह आ रहा है, जो एज डिटेक्शन भी है ना वो भी काफ़ी सही सा यहाँ पे आया है। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मैं नेक्स्ट सैंपल आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे भी लाइटिंग अच्छा, सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे मैं जूम करता हूँ तो ये मेरा आपका गाल के पास देखिए पूरा का पूरा जो है यहाँ पे खेला कर दिया, गाले हटा दिया। इस साइड पे भी देखते तो यहाँ पे भी जो है सही ढंग से जो है ब्लर नहीं किया है। तो कहने का मतलब यही है कि जो पोर्ट्रेट मोड इसका है इसमें अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स इसके ठीक किया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत ही अच्छा कैप्चर करता है, कहीं कहीं पर मतलब छोड़ देता है। तो देख लीजिए, कुछ फोटोज मैंने अल्ट्रा वाइड की भी खींचने की कोशिश की थी जिससे आपको अल्ट्रा वाइड का भी आइडिया मिल जाए, ठीक है। वहीं की बात करें अल्ट्रा वाइड की तो अल्ट्रा वाइड को जैसे हम जूम करते तो यहाँ पे डिटेलिंग थोड़ा सा मिस आउट हो जाता, थोड़ा सा फोटो जो है ब्लर टाइप का था, नॉइज थोड़ा ज्यादा आ जाता, जो डार्क एरिया है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें एरिया की तो कितना ज्यादा कैप्चर करता है, एरिया काफी ज्यादा कैप्चर करता है, बस जो डिटेलिंग है वो थोड़ा सा मिस आउट हो जाता है। लेकिन 8 मेगापिक्सल के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से यू कैन मैनेज इट। यहाँ पे देखिए एरिया काफी ज्यादा कैप्चर किया, डिटेलिंग भी काफी सही से, यानी कि अगर लाइटिंग काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, डे लाइट का फोटो है तो डे लाइट में 50 मेगापिक्सल कैमरा हो या फिर 8 मेगापिक्सल कैमरा हो मैक्सिमम केसेस पे अच्छा ही काम करता, बस थोड़ा सा ऑप्टिमाइज अगर यहाँ पे मोटरोला कर दे तो मजा टाइप आ जाए। लेकिन आज के टाइम में तो आपको पता ही है मोबाइल लॉन्च करने से इंसान को फुर्सत ही नहीं है, तो अपडेट क्यों करेगा। लोग शेयर करो इस वीडियो को ताकि समझ में आए। गाइस अगर आप रियर कैमरा से यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट लेने की कोशिश करते तो वहां पे आपको शॉट काफी अच्छा मिल जाएगा, जो है ब्लर वगैरह आप देख सकते हैं मेरे कंधे के पास या फिर मेरे गाल के पास या मेरे बाल के पास, काफी सही सा ब्लर किया है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल तो लग रहा है। एज डिटेक्शन के बारे में बात करें तो काफी अच्छा यहाँ पे काम करता है, ऐसा नहीं मैं जबरदस्ती का मैं बुरा नहीं बोलूंगा भाई, जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे अच्छा ही बोलूंगा। और लास्ट में समराइज कर दूंगा कि आपको कैमरा के लिए लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो क्यों नहीं लेना है, ठीक है। वैसे तो मैंने और भी बहुत सारे फोटो जो है मोटोरोला G42 से खींचा था, क्योंकि मुझे कैमरा टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, अलग अलग कंडीशन में जाके हम बहुत सारा फोटोज वगैरह खींचे थे। लेकिन अगर हम इसे समराइज करें इस वीडियो की हमको इसको कैमरा के लिए लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप प्रेफर कर सकते हो। 14,000 रुपये इसका रेट रहता है, लेकिन 14,000 के हिसाब से मत लेना। क्यों नहीं लेना, इसके पीछे रीजन ये है कि 15,000 में इससे भी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर आपका बजट जो है 12,000 तक का है और 12,000 में आपको ये मिलता है ऑफर में, जो कि आपको इजीली मिल भी जाएगा, अभी तो दिवाली का सेल आने वाला और फलाना ढिमकाना 10 तरह का सेल आते रहता है, ठीक है। तो 12,000 मिले तो बिल्कुल ले लेना, और 11,000 मिले तो भैया एकदम लूट ही ले। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें कैमरा परफॉर्मेंस को तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो फ्रंट कैमरा का सेल्फी उसे थोड़ा सा सुधारने की जरूरत, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और जो आपका लो लाइटिंग में फोटो आता है उसमें नॉइस भर भर के आता, तो थोड़ा सा नॉइस को कम कर दिएगा ना तो और भी मजा टाइप का जिंदगी में आ जाएगा। बाकी ओवरऑल प्राइस के हिसाब से अगर कैमरा देखते हो, अगर आपके पास लाइटिंग अच्छी है तो काफी तगड़ा फोटो आता है, आपको फोटो में कोई भी तरह का कमी नहीं दिखेगा। अब ऐसा मत सोचिए कि आप भैया 12,000 13,000 का मोबाइल खरीद के प्रोफेशनल बन जाइएगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा। प्राइस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो मोबाइल काफी सही सा है, एमोलेड स्क्रीन मिल जाता है, 680 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, कैमरा भी काफी सही ढंग से काम करता है। तो वैसे यहाँ पे मैंने आपको प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया कैमरा टेस्ट वाला, कैमरा टेस्ट बना के, ठीक है। अब आपको अपना काम करना है, 301 लाइक का टारगेट करना है, और वीडियो अच्छा लगा है दिल से बता रहा हूँ, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके जाना, और अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाली वीडियो जरूर से चेकआउट करना, उसमें मैंने अपना ओपिनियन भी बताया है। चलो मैं मिलूंगा और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए मेरे भाई।